इंडियन न्यूरोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न एक, टोपी या डेटोनेटर क्या होता है? यह तेज बारूद से भरी पतली 6.5 मिलीमीटर नली होता है, जिसे विस्फोट करने पर, डिटोनेट करने पर धड़ाका वायलेंट शॉक पैदा होता है और वह धड़ाका हाई एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिज को विस्फोटित करने के काम आता है। डेटोनेटर होल में भरे एक एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज में फंसाया रहता है। डेटोनेटर से पहले वह कार्ट्रिज विस्फोटित होता है और उससे फिर अन्य कार्ट्रिज विस्फोट हो जाते हैं। प्रश्न दो, डेटोनेटर को कैसे विस्फोटित किया जाता है? डेटोनेटर दो प्रकार के होते हैं, सादा डेटोनेटर प्लेन डेटोनेटर और ऑर्डिनरी डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कोष्टक। सादा डेटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज पलीता लगाकर फलीते में आग लगाई जाती है तो डेटोनेटर विस्फोटित हो जाता है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की तारों में एक्सप्लोडर से जब बिजली भेजते हैं तो डेटोनेटर विस्फोटित हो जाता है। प्रश्न तीन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिक डेटोनेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तत्कालिक डेटोनेटर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो बिजली मिलते ही विस्फोटित हो जाते हैं, दो विलंबित डेटोनेटर डिले डेटोनेटर जो बिजली मिलने के कुछ क्षण बाद विस्फोटित होते हैं। डिले विलंब समय के अनुसार डिले डेटोनेटर दो प्रकार के होते हैं, वन शॉर्ट डिले और मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर, ये 0 सेकंड 10 नंबर के बनाए जाते हैं। अमेरिका कंपनी के डेटोनेटर में समय अंतर 25 मिली सेकंड यानी 25 mm होता है। GOCL कंपनी के 1 सेकंड 6 नंबर का डिले अंतर 25 मिली सेकंड, 7 व 8 का 50 मिली सेकंड, 9 व 10 नंबर का 75 मिली सेकंड होता है। मिली सेकंड मतलब सेकंड का 1/1000 भाग। 2 लॉन्ग डिले डेटोनेटर, इनमें डिले समय अंतर 30 मिली सेकंड होता है। यह 0 सेकंड 10 नंबर के बनाए जाते हैं। कोल माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 25 मिली सेकंड डिले वाले विशेष प्रकार के डेटोनेटर प्रयोग होते हैं, इन्हें कोल डिले डेटोनेटर या कैरिक डिले डेटोनेटर कहते हैं। ये 0 सेकंड 6 नंबर के बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो कॉमेंट करें।